परम पूज्य और गुरुदेव जी, अर्चनी वन्नी सन समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, यहाँ पर माताओं की संख्या ज्यादा है और बहुत सुंदर विषय और गंभीर विषय और हमारे भरी भविष्य के धरोहर उसी पर चर्चा चल रही थी, संस्कार पर। आइए और कुछ चर्चा करते हैं। किसी ने पूछा, बच्चों को संस्कार कब से देना चाहिए? तो उत्तरदाता ने कहा, बच्चों को संस्कार बच्चे के जन्म से 20 साल पहले से शुरू कर देना चाहिए। और उत्तर एकदम सही है। आपको लग रहा होगा आश्चर्य, बच्चे को संस्कार 20 साल पहले इसलिए देना चाहिए जन्म से, जिस माँ बाप के कोख से बच्चे जन्म लेंगे उन बच्चे को संस्कार देना शुरू कर दीजिए, मतलब तब बच्चे संस्कारी हो सकते हैं। और बच्चा जब कोख में है तब संस्कार की बातें करेंगे, तो इसके जिस्म में उनके जीवन में सारी बुराइयां भरे हैं तो बच्चे को कितना संस्कार दे पाएगा? इसलिए बच्चे को संस्कार उत्तरदाता ने कहा 20 साल पहले से दीजिए। कितना अच्छा विषय है संस्कार के बारे में हम सुन रहे हैं। ये आपके जीवन का भविष्य है, ये आपके धरोहर है। ये यदि आप आज अच्छा बीज बोते हैं कल वही फल आप काटते हैं। यदि आज बच्चों के अंदर अच्छा संस्कार भरते हैं वही बच्चे आपके बुढ़ापे में काम आते हैं। और यदि आपने गलत संस्कार भला, गलत विचार भला, गलत उनके अंदर डालते गए आप विचारों को, वही बच्चे के अंदर गलत विचार आएगा और वही आपको मिलेगा, लौट करके मिलेगा। इसलिए आपको करना क्या है, आज से नए जीवन की शुरुआत करिए, एक सुंदर जीवन का निर्माण करिए। गीत लिखो या गाली सब तुम्हारे हाथों में। ये जीवन कोरा कागज है और जब बच्चा जन्म लेता है, माँ के कोख से जन्म लेता है, तो बच्चे के दिल दिमाग में कोई विचार नहीं होता है। वो देखता है, सुनता है, जानता है, लेकिन बोल नहीं सकता है। और वही चीज इनपुट होता जाता है जो आप करते हैं वही चीज। इसलिए उनके सामने ऐसी घटना मत करिए, ऐसी काम मत करिए, ऐसी क्रिया मत करिए, ऐसे बातें मत करिए जो बच्चे के अंतस्थल पर रिकॉर्ड होता जाए। बच्चे के अंतस्थल पर रिकॉर्ड होता जाए। बच्चे बोल नहीं सकता लेकिन जानता है आपके जीवन के धरोहर। इसलिए काम है, यदि आज आपने बच्चे को अच्छा संस्कार दिया, अच्छे शिक्षा दिया, तो आपके बुढ़ापे में आपके काम आएंगे। यदि आप अपने बच्चे को गाड़ी नहीं देते हैं, मोबाइल नहीं देते हैं, कार नहीं देते हैं, तो बच्चे 4 दिन 6 दिन रोएंगे। और यदि आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो जीवन भर रोएंगे और आपको भी रुलाएंगे। संस्कार महत्वपूर्ण चीज है और उच्च संस्कार और उच्च शिक्षा की जरूरत है। इसलिए भारत सरकार के पास बहुत सारे केंद्र है जहां आदमी को ऊंचे से ऊंचे पोस्ट मिल जाते हैं, नौकरियां मिल जाती है, आईपीएस आईएएस अफसर बन जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई केंद्र है जहां आदमी को, जहां बच्चे को अच्छा इंसान बनाया जाए? कभी कभी दुख भरी बात यह होती है कि आपके घर में ही आपके कोख से बच्चे जन्म को, जब से जन्म लेते हैं तब से आप उनको सिर्फ पैसा कैसे कमाना है ये सीख पढ़ाते हैं, ये चीख देते हैं। बच्चे तुम पढ़ो लिखो, अच्छे योग्य बनो और अच्छे पढ़ाई करो, इतना सीख देते हैं, इतना सीख देते हैं, जितना पैसा कमा सको कमाओ। और सौभाग्य की बात बताऊं कि आपके बच्चे पैसा खूब कमाते हैं। आपके बच्चे पैसा खूब कमाते हैं क्योंकि आपने वो चीज सिखाया, पैसे कैसे कमाना है, नौकरी में कैसे जाना है, बैंक में कैसे जाना है, आप ऑफिसर कैसे बनना है, ये सारे शिक्षा आपके बच्चे आप सीख दिए तो सीख गए और आपके घर में परिवार में पैसा खूब हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य कहूँ या सौभाग्य कहूँ कि भारत देश का एक दुर्भाग्य है कि हमारे भारत देश में वृद्ध आश्रम बढ़ते चले गए। ये आपकी ही देन है। ये यदि आपने शिक्षा और संस्कार अच्छा दिया होता तो भारत देश में वृद्ध आश्रम नहीं बढ़ते।
आपके शिक्षा और संस्कार सही नहीं होने के बदौलत आपके बुढ़ापे का जीवन बहुत दुखद होता चला जाता है, बहुत दुखद होता चला जाता है। आप अच्छा जीवन नहीं जी पाते हैं, इसलिए आप सुंदर जीवन का निर्माण करिए, अच्छा शिक्षा दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए। बुढ़ापे में यदि आप अच्छा शिक्षा और संस्कार देते हैं तो आपके भविष्य में आपके बच्चे के पास कुछ हो ना हो लेकिन इंसानियत होगी, आपके बच्चे आपको सम्मान देंगे, आपके बच्चे आपसे प्यार करेंगे। और यदि पैसा कमाना बस सिखाया तो आपको वृद्ध आश्रम भेजेंगे और आपके पास बात करने के लिए आपके बच्चे के पास टाइम नहीं होगा। इसलिए शुरुआत करिए अपने घर से। हमारे साथी कह ही रहे थे कि बच्चे बनते और बिगड़ते हैं माँ के कोख से और माँ के गोद से। इसलिए आप एकदम सही शिक्षा और सही संस्कार दीजिए। आपके घर में बच्चे रहें तो साफ सुथरा ढंग से रहे, सफाई शुद्धता पर ध्यान दीजिए। आपके घरों में सफाई होनी चाहिए, कहीं गंदगी पड़े हैं, कहीं कपड़े पड़े हैं, कहीं टट्टी है, कहीं और कुछ है, कचरा पड़ा हुआ है। आपका घर है, घर मंदिर की तरह होना चाहिए और घर से बढ़कर के मंदिर कुछ नहीं हो सकता है। आप मंदिर में ना जाएं, मंदिर में जाएंगे एक घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, लेकिन आपका घर ऐसा मंदिर है जहां आप 24 घंटा समय काटते हैं और आपका घर गंदगी से पड़ा हुआ हो, आपके घर में अस्त व्यस्त सामान पड़ा हुआ हो, आपके घर में कोई जाए तो उनको बदबू आए, घर की बदबू आए, आप कौन सी शिक्षा और संस्कार दे रहे हैं? इसलिए मैं किसी जाति मत पथ संप्रदाय किसी मजहब की बातें नहीं कर रहा हूं, आपसे वही चीज कह रहा हूं कि आप घर की सफाई और शुद्धता रखिए। आप किस गुरु को मानते हैं, किस मत पंथ को मानते हैं, आपकी सोच है, लेकिन ये चीज हर व्यक्ति को करना होगा कि आपके घर सफाई शुद्धता हो, आपके घर में साफ सुथरा हो। आपके घर में सफाई नहीं होती है, आपके क्षेत्र में व्यवसाय बहुत है, आपके क्षेत्र में मक्का लगाते हैं, ज्वार लगाते हैं, बाजरा है, गेहूं है, धान है, ये सारे फसल होते हुए भी जहाँ से गंदगी पैदा हो उन चीज़ों से आप बचिए। और आपके घर में, आपके क्षेत्र में 3-3 फसलें होती है, उसके बाद भी आपके हर घर में बकरे बकरी मिलते हैं, क्या मतलब है इन चीज़ों को पालने से? जहाँ से गंदगी पैदा हो उससे अच्छा है अन्य चीज़ों को पालिए, जहाँ से पाप का कारण बनता हो। सफाई शुद्धता पर ध्यान दीजिए। बकरी पालने से गंदगी होती है आपके घर में, बकरी पालने से ज्यादा फायदा आप किसानी से कर सकते हैं, आप उन चीजों को क्यों पालते हैं? और वो पालने से आपके घर में पाप भी होता है, आपके पालने पर से नहीं, वो आप बकरा बकरी जब बेचते हैं तो वही कठिन होता है और आदमी गलत ढंग से आप जीव हत्या करते हैं, क्या पाप नहीं लगेगा आपको? आप अच्छे शिक्षा और संस्कारित व्यक्ति होकर के भी इन चीजों से अपने को नहीं बचा पाते हैं, भ्रांतियों में पड़े रहते हैं, तो आप बच्चे को कैसे संस्कार दे पाएंगे? आपका कर्म ऐसा हो कि आपका सम्मान कर सके आपके बच्चे ही, और दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं कि आपके बच्चे ही आपसे बड़े हो जाने के बाद में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके कर्म में खोटा होता है, कर्म खराब होता है, या तो कहीं ना कहीं आपकी कमी रह जाती है कि आपने जो बच्चे को संस्कार देना चाहिए था शायद नहीं दे पाए, जो संस्कार देना चाहिए था नहीं दे पाए। आपस का प्रेम और आपस की स्नेह, घर का माहौल, ये तैयार करता है आपके बच्चे को कैसे शिक्षा मिलती है, कैसे संस्कार मिलता है। ये भारत देश की बात बहुत स्वच्छ केंद्र है जहां आदमी को बड़े बड़े ऑफिसर बनाए जाते हैं, लेकिन भारत देश के पास, सरकार के पास ऐसा कोई केंद्र नहीं है जहाँ आदमी को इंसान बनाया जाए। आज विज्ञान की देन है कि आदमी से आदमी की दिल की दूरी तो बढ़ती चली जा रही है और देश और काल की दूरी घटती चली जा रही है। जो यात्राएं हम पहले सालों साल में करते थे, 6 महीने में करते थे, उन यात्राओं को हम 4 घंटा 6 महीने में कर सकते हैं, लेकिन आज भाई और भाई का नहीं मिल रहा है, सास और बहू का मिल रहा है, देरान जिठान का नहीं मिल रहा है, ये विज्ञान का चमत्कार तो है। हमारे साथी कह रहे थे कि ऐसे ऐसे दृश्य देखते हैं जो दृश्य देखने के बाद में बच्चे के अंदर गलत इफेक्ट पड़ता है, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ऐसा देखिए, ऐसा बोलिए, ऐसे चलिए। आप महान व्यक्ति है, आपके पास में धनी संपन्न व्यक्ति है, आप दरिद्र नहीं है। दरिद्र वो लोग हैं जो मीठा नहीं बोल सकते, दरिद्र वो लोग हैं जो प्यार से बात नहीं कर सकते, अच्छे नहीं सोच सकते, वो लोग दरिद्र है। जिसके पास संपत्ति नहीं वो लोग दरिद्र नहीं है, वो लोग गरीब नहीं है, वो लोग धनी व्यक्ति है।
आप महान धनी बनिए, अपने संस्कार को बदलते जाइए। आपके घर में साफ सुथरा होना चाहिए। आप घर के बच्चे गंदे पड़े रहते हैं, कपड़े गंदे रहते हैं, मैले कुचैले रहते हैं, क्या अच्छी शिक्षा मिलेगी उनको? आप अपने घर के कपड़ा, अच्छा कपड़ा 100 रुपये में भी मिलता है, 1000 रुपये में भी मिलते हैं, लेकिन 1000 रुपये की कपड़ा पहन करके गंदे पहने हो, मैले कुचले हो, तो क्या मतलब है? 100 रुपये की ही कपड़े हो लेकिन साफ सुथरा हो, व्यवस्थित ढंग से हो, तो ये जीने का तरीका अलग है। इसलिए आप सबसे निवेदन है बार बार कि साफ सुथरा आपका घर हो, भ्रांतियों में मत पड़िए। आप बच्चे को सही शिक्षा और संस्कार दीजिए। कोई भी बच्चे प्रश्न करते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। घटना बताऊं आपको, एक माँ रोज अपने घर में पूजा करती थी, रोज पूजा करती थी और पूजा करती थी और अपने उनके बच्चे पूछते थे, माँ ये पूजा करने से क्या होता है, किसकी पूजा करते हैं आप? माँ बोलती थी, बेटा ये भगवान है, भगवान सब कुछ कर सकता है, इसलिए मैं भगवान की पूजा करती हूँ। भगवान को जो चाहो मांगो मिल जाता है, सब कुछ करता है भगवान। बच्चे तो बच्चे, बच्चे को विश्वास हो गया और विश्वास हो गया और देखते थे रोज माँ पूजा करती। एक दिन होता क्या है, उनका एग्जाम था, पेपर दिलाने के बाद आते हैं और रोज माँ के गोद में आते थे, आता था बच्चा, लेकिन वो करता क्या है, मंदिर में चला गया। घर में मंदिर बना था, घर में एक छोटा सा कक्ष था, उस रूम में चला गया जहाँ पूजा करते थे और पूछते ढूंढते ढूंढते माँ जाती है, पूछते हैं तुमको क्या हो गया, रोज मेरे पास आते थे, आज भगवान के पास बैठे हो। इतना में बच्चा पूछते हैं, माँ सच में क्या भगवान जो चाहे वो कर सकता है, सच्चे दिल से मांगो तो? तो माँ बोलती है, हाँ बेटा सही बात है। तो इतना में बच्चा बोलता है, माँ आज मेरा एक पेपर था और पेपर एग्जाम हाल में मेरा एक प्रश्न था, प्रश्न में लिखा गया था कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो मैंने भारत की राजधानी में उत्तर में लिख दिया बिहार है। माँ भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे बाहर निकलने पर पता चला भारत की राजधानी दिल्ली है, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो उत्तर काट करके दिल्ली लिख दे, क्या माँ हो सकता है ना? माँ बोलती है, ये नहीं हो सकता है, तो भगवान क्या कर सकते हैं? आप मानते हैं, मत मानिए, नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके बच्चे यदि प्रश्न कर दे तो उसका उत्तर आपके पास होना चाहिए। आप बच्चे को गोल गोल बातें में, भ्रांतियों में मत लपेटिए। आपके बच्चे सामने बैठे हैं, आप बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, इन चीजों से बच्चे को क्या संस्कार मिलेगा? बच्चा वही चीज रोज देखता है और वही देखता है, और जहां तक अपने बच्चे को आप बीड़ी सिगरेट सब कुछ मंगाते हैं। एक दिन ऐसी स्थिति आती है, एक बच्चा को मंगाया गया और रोज देखते थे पापा क्या करते हैं, रोज देखते थे। एक दिन बच्चा क्या करता है, देखता है पापा रोज रोज बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गोल गोल धुआं उड़ाते हैं, बड़ा अच्छा लगा उनको। एक दिन किया क्या, वो भी ले मंगाए तो गया और कहे, उनके पिताजी कहे इसको जला करके लाना, उनके दादाजी कहते हैं इसको जला करके लाना, और जला करके लाते लाते बीच में वो सुलगा लिया, जला करके लाया और पी करके देखा और धुआं उड़ाया। उनको देख लिए उनके पिताजी भी पीने वाले थे, उनको ठीक से तमाचा मारे। बच्चे हो, होश में नहीं हो और बीड़ी सिगरेट पीते हो, बच्चे तो बच्चे बेचारा मायूस हो गए। दो दिन बाद स्कूल से आता है, रोज रोज आता है स्कूल से, दो दिन बाद देखता है कि पिताजी सिगरेट पी रहा है। वो करता क्या है, अपना बिस्तर, पुस्तक, कॉपी अपने कमरे में रखता है, दौड़ करके आता है और अपने पिता के गाल पर ठीक से तमाचा मारता है। कहते हैं जवान हो गए हो, 45 साल की अवस्था है, होश में नहीं आए हो, सिगरेट पीता हो, पीते हैं आप? सिगरेट के पैकेट में लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपको पता नहीं है? आप बच्चे को क्या संस्कार दिए? आप अपने बच्चे को गलत संस्कार और शिक्षा दे करके आप अपने बुढ़ापे को दुखद यात्रा की ओर ले जाते हैं आप। इसलिए कहा जाता है, जब बसंत आती है तो प्रकृति मुस्कुराती है और संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। एक ऐसे विचारों से आपको रूबरूप कराया जा रहा है जहां भगवान भगवती की याचना नहीं, कर्मों को सुधारने की बात कहा जा रहा है। जहां ये नहीं कह रहा है कि हमारे गुरु से जुड़ो मात्र उनसे मुक्ति मिल जाए, ये बातें नहीं, हमारे गुरुदेव जी भी यही चीज कहते हैं कि कर्मों का सुधार करिए। कर्म अगर आपका अच्छा है तो जीवन अच्छा बन जाएगा, कर्म खराब है तो सब बिगड़ जाएगा। आपको एक घटना और बताऊं मैं, आपका जीवन का माहौल, आपका घर का जो एक्टिविटीज होता है, क्रियाकलाप होता है, उनसे बच्चे को शिक्षा और संस्कार मिलता है।
आपस में सास बहु देरान जिठान में जैसे माहौल होता है, इन चीजों से बच्चे पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ते हैं। एक घर में ऐसी घटना घटती है, सास बहु में आपस में टकराहट हो गई। सास बहू में टकराहट, आए दिन टकराहट होती थी, एक दूसरे में लड़ाई। और ये अभी अगले प्रोग्राम में हम लोग गए थे, वहां से आए, बगल घर में दो घंटा तक इतनी लड़ाई मारपीट, इतना। आपके बच्चे क्या सीखेंगे इससे? आप समझदार व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, मारपीट करते हैं, आपकी शिक्षा यही है, आपकी संस्कृति यही है कि आपके बच्चे के सामने, आपके परिवार के सामने आप मारपीट हो, और आप महान व्यक्ति होकर के, इंसान होकर के, बुद्धिजीवी प्राणी होकर के निकम्मे और कायर की तरह लड़ते रहते हैं आपस में। क्या शिक्षा मिलता है बच्चों को? ऐसी ही घटना घटती है, आपस में सास बहू में लड़ाई चल रही थी, लड़ाई रोज होती थी, तेज तर्रार बहू। एक घटना रोज उनके छोटा सा बच्चा देखता था, उनका बच्चा देखता था, रोज घटना घटती है। और रोते रोते अंतिम स्थिति आती है कि रोते रोते रोज कमरे में दादी माँ उनकी जाती है, उनकी सासू माँ, बच्चे के दादी रोज कमरे में चली जाती है। एक दिन होता ये है कि उसके पीछे पीछे उसको छोटा सा पोता भी जाता है, मात्र 5 साल का उसका पोता पीछे पीछे जाता है, और पीछे पीछे जा रहा है। और जब दादी माँ बैठ करके रो रही है, उनका पल्लू उठाता है, और पल्लू उठा करके अपने दादी माँ का आंसू पोंछता है, और आंसू पोंछते पोंछते बोलता है, दादी माँ तुम रो मत। देखिए क्या बोल रहा है, दादी माँ तुम रो मत, मेरी माँ बहुत दुष्ट है, और मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा और मेरी भी जब शादी हो जाएगी, तो मैं कहूंगा अपने पत्नी से कि तुम अपनी सासू माँ का कभी सेवा मत करना, क्योंकि वो अपनी सासू माँ से रोज लड़ाई करती थी। यदि आज आप लड़ते हैं अपने माँ बाप से, अपने सास ससुर से, तो आप अपने बुढ़ापे को चुनौती देते हैं। माताओं से निवेदन है कि आपकी बेटी तो आपकी ही बेटी है, आपकी बेटी तो आपकी ही बेटी है। जिस दिन आपके बहू को एहसास हो जाए कि सच में असली माता पिता मेरे सास ससुर है, उस दिन आप एक बूढ़ी, आप एक सासू माँ नहीं बल्कि आप एक माँ भी बन जाती है। इसलिए आप अपनी बेटी तो चली जाती है, आप अपने बहू को बेटी से भी ज्यादा मानिए, प्यार दीजिए, संस्कार दीजिए। और महनों से भी निवेदन है कि वो माँ को आप छोड़ करके आती हैं, कई कोस छोड़ करके आ जाते हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ में जीवन काटना है, अपने सासू माँ के साथ में, और सासू माँ के साथ में यदि अच्छा बर्ताव करते हैं आप, अच्छा प्यार का बर्ताव करते हैं, अच्छा स्नेह से रखते हैं सासू माँ को, माँ से भी ज्यादा सम्मान देते हैं, तो सुखद यात्रा आपकी ये होगी कि आपके आने वाले पीढ़ी, आपके बच्चे भी आपको मान और सम्मान देंगे, आपको भी इज्जत देंगे, आपका भी सैल्यूट करेंगे, बदौलत आपको बहुत अच्छा जीवन कट जाएगा। मैंने कुछ देर तक संस्कार के विषय में कुछ कहने का प्रयास किया, आप लोगों से निवेदन है कि सही भ्रांतियों से हट करके कबीर विचारों से जुड़े, और कबीर विचारों से जुड़ करके अपने जीवन को आत्म कल्याण की ओर ले जाए, सफाई शुद्धता में ध्यान दे, सफाई शुद्धता, अपना शरीर को साफ रखिए, स्वस्थ रखिए, शरीर में कचड़े चीज मत बांधते चाहिए। कल भी मैंने कहा था, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, ताबीज पर भरोसा से ज्यादा आप अपने कर्मों पर भरोसा रखिए। ताबीज आपका सुंदर शरीर में क्या क्या बेडौल चीज बांध देते हैं आप, अच्छा नहीं है ये। अच्छा बच्चे यार, ये प्रश्न पूछे आपके ताबीज बांधने से क्या होता है, आप अपने कर्मों को काट सकते हैं, गलत कर्मों को, गलत कर्मों से समाधान नहीं मिल सकता है ताबीज से, आप गलत कर्मों से समाधान है कि गलत कर्म करना बंद कर दीजिए, और उच्च शिक्षा और उच्च संस्कार की बातें करें। बोलिए सतगुरु देव की जय। अभी हम लोग संश्री अखिलेन साहब के बहुत ही सुंदर संस्कार पर विचार सुन रहे थे। सचमुच आज की जो नई पीढ़ी है, वो बूढ़े माँ बाप की और बूढ़े सास ससुर की सेवा करना नहीं चाहती आज की जो नई पीढ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप विचार करो कि जो आपका पति है वो कम से कम 20 साल 22 साल 25 साल का तो होगा, इतना होगा ना, 20 साल 22 साल 25 साल का, तो 20 साल 22 साल 25 साल का हुआ कैसे? वो कोई मछली है कि जाल से जाल फेंक करके और नदी में से छान करके आया है, कि जानवर है कि जंगल में से फंसा करके आया है? नहीं, वो माँ बाप की लागत लगी है, मेहनत लगा है, पैसा लगा है। तो मैं तो एक निवेदन करता हूँ कि जितने साल का आपका पति है, मान लो 20 साल का है, तो कम से कम 20 साल तो सास ससुर की सेवा कर लो, बाकी मत करना।
सास है, नई बहू है, तो समय से उसका पैर दबाओ, घुटना दबाओ, पीठ दबाओ, हाथ दबाओ, सर दबाओ, पेट दबाओ, गला भर मत दबाना, नहीं तो राम नाम सत्य हो जाएगा। सेवा करो। तो जो देखो, अगर घर बनता है तो औरत से ही बनता है, अगर घर बिगड़ता है तो औरत से ही बिगड़ता है, औरत से ही बिगड़ता है। तो एक ऐसे ही एक नई बहू थी, वो आई थी नई नई अपने ससुराल, एक सास थी और एक पति था। और सास बड़ी सरल थी, सीधी साधी थी, और जो बहू थी नई थी बड़ी तेज थी। और जहां जहां गलती हो वो सास समझावे कि देखो बहू, भोजन बनाती हो तो हाथ धो करके सफाई सुथरा से बनाओ, भोजन बनाती हो तो खुला मत रखो, उसको ढक करके रखो, मक्खी लगती है, कीड़े मकोड़े लगते हैं, है ना। अगर ये रसोई घर है उसको साफ सुथरा रखो, बढ़िया से सब सामान सजा करके रखो, कपड़े इधर उधर मत बिखरे रहो, इसको चपत करके घर में रखो। और उसको बड़ा बुरा लगे, वो जो नई बहू थी उसको बहुत बुरा लगे, ये तो हमको बात बात में टोकती रहती है, ये ठीक नहीं है। तो वो एक एक चाल चली हो, चाल चली हो कि ये बात बात में टोकती रहती है, हम इसको बेइज्जत कर देंगे तो इसका मुख बंद हो जाएगा। जब इसको हम बेइज्जत कर देंगे किसी तरीके से तो इसका मुख बंद हो जाएगा। तो एक चाल चली हो नहीं बहू, क्या कि वो बीमार पड़ गई, वो क्या कि वो बीमार पड़ गई। बीमार थी नहीं, वो चाल चली बीमार का बहाना कर गई हो। अब बीमार के बहाना कर गई, पति जो है छोटा मोटा काम करता था, थोड़ा पैसा मिलता था, कैसे हो अपना परिवार का गुजर बसर करता था। शाम को आया तो न खाना बनाई है, न झाड़ू लगाई है, न कुछ की है, बर्तन वैसे पड़ी है। जाकर के देखता है तो कहता है कि ये सब कैसे। कहा कि हमारा तबीयत ठीक नहीं है। बहू कहे कि हमारा तबीयत ठीक नहीं है, हम अब कर नहीं पाएंगे। तो बेचारा पति गया बाजार, गया डॉक्टर को लाया, बुला करके चेक कराया, दवाई दिया, ठीक है नहीं हुआ। अरे रोग रहे तब तो ठीक हो, वो ठीक नहीं हुआ, सुबह भी वैसे ही है। तबीयत ठीक हुआ कहा कि नहीं, फिर ले गया शहर, ले गया इलाज कराया, फिर लेकर के आया, दवाई कराया, चेकअप कराया, ठीक हुआ तो नहीं, वैसे ही के वैसे ही रही। ऐसे करते करते हफ्ता 10 दिन बीत गया और रोग वैसे ही के वैसे ही है। रोग तो था नहीं, रोग वैसे ही के वैसे ही है, दिन भर सूती रहे। तो अब क्या करे, तो अब कही कि अब हफ्ता 10 दिन हो गया, अब आगे कुछ करना चाहिए। अब रात जब रात में सो करके उठी तो पति से कही कि देखो जी, हमारा जो रोग है ना वो दवा दारू से ठीक नहीं होगा, डॉक्टर से ठीक नहीं होगा, इससे ठीक नहीं होगा। हम रात में सपना देखे हैं, जो घर का देवता है वो सपना दिखाया है कि देखो तुम्हारी जो माँ है, अपने पति से कह रही है सास के लिए कि जो तुम्हारी माँ है वो अपने सर का बाल छिलवा ले, गंजा हो जाए और मुख में कालिख लपेट करके और गधा पर बैठ करके गांव के 3 फेरा जब लगाएगी तो हमारा रोग ठीक हो जाएगा। पति समझदार था, उसकी चाल को समझ गया। वो कहा कि ये बात है, कहे कि हाँ। तो वो पति कहा कि अच्छा रहो रहो, हम व्यवस्था करते हैं। वो चला गया सीधे ससुराल। कहाँ गया? अपने ससुराल, अपने पति के माँ के यहाँ। और पत्नी के माँ से कहा, अपने सास से कहा कि देखिए आपकी जो बेटी है ना बहुत जोर से बीमार पड़ गई है, इतना बीमार पड़ गई है कि दवा दारू डॉक्टर टेबलेट सुई इंजेक्शन सब फेल कर गया है, वो ठीक नहीं हो रही है। और एक ही उपाय है, एक उपाय है जो घर का देवता है वो स्वप्न दिखाया है कि आप जो है सास से कह रहा है कि आपकी बेटी जो है बीमार पड़ गई है, और सास से कह रहा है कि आप अपने बाल को छिलवा लेंगी और मुख में कालिख लपेट लेंगी और गधे पर बैठ करके गांव के 3 चक्कर लगाएंगी तो आपके बेटी का रोग ठीक हो जाएगा। तो औलाद है ना बेटी, माँ क्या नहीं कर सकती है औलाद के लिए, सब कुछ करने पर तैयार है। कहे कि इतना करने से अगर मेरी बेटी का अगर तबीयत ठीक हो जाता है तो कोई नहीं, हम कर लेंगे।
तो उस जो दामाद था उस सास को ले गया बाजार में सैलून में, बाल को छिलवाया और छिलवा करके आ मुख में कालिख लपेटा और लपेट करके किराए पर एक गधा किया, गांव में धोबी था लाया और दरवाजे पर ले करके गया। तो यात्रा तो अब दरवाजे से ना शुरू होगा, ले करके गया। तो अब जो जो ओ थी जो जो महिला थी घर की, उस देख ली तो कहे कि अब तो हम चाल में सफल हो गए, चाल में सफल हो गए। तो वहीं से कहती है कि देख त्रिया की चाल, देख त्रिया की चाल, गंजा सर और काला गाल, कालिख लपटी थी। तो कहती है कि देख त्रिया के चाल, गंजा सर और काला गाल। तो मर्द भी कम नहीं था, कहा कि देख मर्द की फेरी, देख मर्द की फेरी, अरे मम्मी मेरी की तेरी, देख तो देख त्रिया, देख मर्द की फेरी, अरे देख तो मम्मी मेरी की तेरी। तो वो तो सास थी, तो वो जब देखी कि तो मम्मी तो मेरी है, तो शर्म से झुक गई, ये तो मम्मी तो मेरी है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना हूं कि आप ऐसा सास का अपमान मत करना। अरे पति पति की माँ है वो, अगर पति जिंदा है तो आपके मांग में सिंदूर है और आपके हाथ में चूड़ियां खनक रही हैं, आप रंगीन साड़ी पहनती हैं, सुलहो सिंगार करती हैं, पति के बदौलत पति कहाँ से आया, सास और ससुर से आया। तो आप सास ससुर की सेवा करना, कभी सास ससुर की अपमान मत करना। तो आइए अभी हम लोग बहुत ही सुंदर विचारों से लाभ ले रहे थे, एक बीच में छोटा सा भजन सुन लेते हैं, फिर संतों के विचार सुनते हैं। तो हमारे बीच संत श्री उमेंद्र साहेब जी मंचासीन है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने भजन से हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए सदगुरु देव की जय। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, भक्त प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, साहेब जी की आज्ञा हुई है आप सबके बीच एक भजन प्रस्तुत है। अभी हम सब बहुत अच्छे अच्छे बातें सुन रहे थे, लेकिन केवल कहने और सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा। जब तक हम अपने जीवन में उसको नहीं उतारेंगे, तब तो वह सुनना और कहना काम नहीं आएगा। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी का एक भजन है इसी पर। बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है, बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है, ये तन मन इंद्रियां चंचल, ये तन मन इंद्रियां चंचल, सदा नर को न चाहती है, बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है, बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है, स्वश तन मन वचन करना नहीं कुछ साग मोली है, स्वश तन मन वचन करना नहीं कुछ साग मोली है, नहीं कुछ साग मोली है, अधमता अपने
मन की है, अधमता अपने मन की है, सदा भव में पचाती है, बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। स्वाभाविक दूसरों के दोष को मन देखता निष्दिन, स्वाभाविक दूसरों के दोष को मन देखता निष्दिन, हजारों भूल जो अपनी, हजारों भूल जो अपनी, नहीं वे दृष्टि आती है, हजारों भूल जो अपनी, नहीं वे दृष्टि आती है, बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। बड़ा बनना गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना, बड़ा बनना गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना, सरल विद्वान भी बनना, मगर मन की कुचालें जो, मगर मन की कुचालें जो, न जल्दी जीत जाती है, मगर मन की कुचालें जो, न जल्दी जीत जाती है, बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है।